में आप हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि इस सफर में हम और आप साथी हैं। शुरुआत से हम साथ में रहे हैं मिशन पानी में, हार्पिक के साथ और रैकेट बैंकीजर के साथ ही नहीं, पर आपके साथ भी, जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी। तो नेटवर्क 18 की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए इस वाटरथॉन में। आज 8 घंटे का ये सफर है, अभी शुरू हुआ है। अक्षय, हम कई बार बात करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यू नो रहमान वॉज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन बींग चेंज मेकर्स, बच्चों की बात हम सुनते हैं, पर कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि हम कर रहे हैं भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, यानी आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए हम आज सोच रहे हैं। हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन चेंज मेकर्स? हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन चेंज? आनंद, पानी के केस में ना तो विलन हम खुद ही हैं जी। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बल्कि वो हमें सिखाएंगे। वो तो नल खुला रखने पर हमें डांट देते हैं। एनवायरमेंट को लेकर बच्चे बहुत कॉन्शियस है। जैसे मुझे याद है, मेरा बेटा आरएफ टीवी पर को चैनल देख रहा था, तो अचानक उसने मुझसे कहा कि डैडी, बाबा हमें इस सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरा बेटा सिर्फ आई थिंक ही वॉज जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड। वैसे आज के बच्चों में कितनी समझ है, हमने उस कॉज के लिए डोनेशन दिया। सो बच्चों को बच्चा मत कर उनको चुप मत कराइए, उनकी बात सुनिए। ये मत सोचिए कि वो बच्चे हैं तो उनकी बात क्यों सुने हम। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनका चेंज ओवर जो होता है, मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात अपनी फिल्मों में भी रखता हूं। मैं ऐसी ऐसी स्क्रिप्टेड ढूंढता हूं जो मेरे बेटे को पसंद आती है जी। गया वो जमाना जो मेरे को स्क्रिप्टें पसंद आती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग, सो इट इज अमेजिंग एंड हाउ स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल दे आर। ट्रू, यू नो आज हम लोग एक बात कर रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी मेहमान इस मंच पर आएंगे, इस वाटरथॉन में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबसे हम पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो चलिए ये सवाल अक्षय कुमार से ही पूछते हैं, आपने क्या किया है अपने जीवन का, यू नो चर्या में, डे टू डे लाइफ, ऑफिस स्पेसेस में क्या किया है या आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या करता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीजें से बदलाव लाया जा सकता है। जैसे पानी बचाने के लिए हम क्यों ना अपने गेस्ट को आधा ग्लास पानी ऑफर करें, क्योंकि देखिए अक्सर वो रहता है कि वो पानी पूरा तो पीते नहीं है, आधा रख देते हैं, है, फिर वो फेंक दिया जाता है। तो अगर उनको जरूरत होगी तो आगे मांग लेंगे, इसमें क्या है, और मांग लेंगे। दूसरा जो है, टॉयलेट फिटिंग जो होते हैं ना, अगर ध्यान से देखोगे तो टॉयलेट के जो उस पर होता है कि दो बटन्स होते हैं, एक होता है एक छोटा और एक बड़ा। छोटा से कम पानी निकलता है, और हमें ये नोटिस लिख देना चाहिए वहां पर कि ये सिर्फ यूरिनल यूज के लिए, बस कम पानी से इसका काम हो जाएगा। तो वहां अगर आप लिख दोगे दिस इज फॉर द यूरिनल यूज, सो उसको आप दबा दीजिए छोटे वाले को, सो ओनली उतना ही पानी आएगा। और तीसरी चीज जो है, सेंसर टैप्स जी। मुझे लगता है होटल्स में, तो हम कई होटल्स में देखते हैं कि जहां पे आप पानी, मतलब टैप के नीचे हाथ रखें तो पानी शुरू होता है, फिर हटा दें तो आप हाथ मलते हैं, फिर वो रुक जाता है। इसको मैं चाहता हूं कि अपने घर पे भी करना चाहिए, जो कि मेरे घर पे इस वक्त नहीं है। मैंने लगाना है ये, मैंने भी ये आज सुबह ही मैंने देखा था। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, बदलाव लाना चाहिए। इसके बारे में भी, सेंसर के बारे में भी, सब मुझे मेरे बेटे ने ही बताया ज्यादा करके, डैड वी शुड चेंज आवर टैप्स एंड ऑल। मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये आविष्कार की, इनोवेशन किया है कि कुछ यंत्र लेकर, सर्किट बोर्ड लेकर, अपने घर के जो स्टैंडर्ड टैप्स है ना, उनको सेंसर टैप्स बना दिए हैं। ऐसे भी बच्चे अपने आप ही, हाँ, स्कूल के प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि क्यों ना घर के अंदर हम। अब बताओ, अब इनको क्या सिखाएं, ये तो हमें पढ़ा के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल की बात है, इनको क्या पढ़ाना जी। अक्षय की तरफ से तो बहुत कुछ हमें टिप्स मिले हैं कि हम क्या क्या छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि देखिए, हमारे घर में हमको आदत है शावर लेने की, तो कहते हैं भाई बाल्टी से पानी भरो, तो बाल्टी मजा नहीं आता ना। तो आप एक काम कीजिए, अपने घर का शावर ऑन कीजिए और देखिए कि एक बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगता है, टाइमर के साथ। अगली बार से आप वो टाइमर ऑन कर लीजिए, और उसके बाद जितना उसमें टाइम है उतना ही आपका शावर ऑन रहना चाहिए। तो फिर भी आप एक बाल्टी पानी से ही ना रहे, शावर का शावर हुआ, एक बाल्टी पानी हुई। ये मैं करता हूं मेरे घर में 3 मिनट तक बाल्टी पानी भर जाता है। एक्चुअली मुझे उसकी भी याद आती है कि 3 मिनट का शावर होता है मेरा।
तीन मिनट ही शावर चलता है। मैं आपको बताऊं, एयरक्राफ्ट में कभी कभी फर्स्ट क्लास में आप जाओ तो शावर का होता है, उसमें भी यही है, 3.5 मिनट में आपको शावर खत्म करना और पानी खत्म होते जाता है, फटाफट फटाफट नहाए धोए और फटाफट निकल ले। और क्या हमको पता है कि हमारे घर में पानी आता रहेगा, तो इसलिए आधा घंटे से ब्यूटी बात ही हो रही है जी। अर्बन कंजम्पशन काफी कम है, रूरल कंजम्पशन पानी का ज्यादा है। 82% ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री इज बिकॉज ऑफ इज फॉर एग्रीकल्चर, पर उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये सिलसिला लंबा है, पानी पर बहुत बात करनी है। इट्स मच बिगर देन यू एंड मी। लेट्स गो बैक टू लक्ष्मण नरसिम्हन, सीईओ ऑफ रैकेट बैंकीज आर जॉइनिंग अस। लक्ष्मण, यू नो यू गोइंग टू बी देयर विद अस थ्रू आउट दिस जर्नी। लेट मी आस्क यू दिस, हाउ आर यू लुकिंग एट बिल्डिंग ब्रांड्स विद पर्पस, एस्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर इश्यूज ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन आर मैसिव? Brands like Dettol, Lysol and Harpic have been part of the Indian fabric for decades. I grew up in Pune when I was 4 years old. I still remember our house smelled of Dettol. And brands like Harpic, they've been engineered in a way to ensure that you can clean toilets but use less water. And it works extremely well in a place like India, as we have seen. Because what it also does is, by cleaning the toilets, by doing it in a water-efficient manner, we actually promote toilet usage rather than having open defecation. So that's a very important behavior change for India. Mm. And the product is designed for that. No, absolutely. Thank you, Lakshman. And, you know, I'll come back to you in just a bit. Let me just bring in my colleague and friend, Maria Shakil at CNN News 18. Maria, isn't it great to be part of such a special, unique waterthon, India's 72nd Republic Day, and we are doing something very, very special. Absolutely, Anand. It's an honor.